हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजें देखी। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी। ओके, इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या है। ओके, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया इकोसिस्टम का। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने पता किया कि इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में होता है, एक एक्वाटिक, दूसरा टेरेस्ट्रियल। और हमने उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जो कि एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल के बाद नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हम देखेंगे और प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी जरूरी होती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ओके, तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है इकोलॉजी के हिसाब से। अगर हम प्रोडक्टिविटी दूसरी तरफ देखने जाए तो, अगर इकोलॉजी से रिलेटेड ना हो तो अगर अलग डेफिनेशन बन गए, पर इकोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन बनेगी। इट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस और सिंथेसाइज। ओके, और सिंथेसाइज एट अ ट्रॉपिक लेवल। ओके, प्रोड्यूस और सिंथेसाइज एट द ट्रॉपिक लेवल पे जो कि ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होगा, उससे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रोडक्टिविटी समझिए, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। जिस चीज को प्रोड्यूस किया जाता है उसे अंदर प्रोडक्ट ये कहते हैं। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम उसमें डालना पड़ेगा जो कि प्रोडक्टिविटी है। अगर किसी प्रोडक्ट की गिनती देखनी है हमें तो उसे प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ओके, तो हमने डेफिनेशन देख ली, इट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस और सिंथेसाइज एट अ ट्रॉपिक लेवल। देखिए, प्रोडक्ट कौन सिंथेसाइज करेगा, तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे। सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स किसे कहेंगे हम, बताइए, ये ब्रांड्स होंगे। ओके, पता है, आपको पता है। ओके, प्लांट्स सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, उन प्लांट को जो कंज्यूमर्स खाएंगे वो उनके बाद ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक मैटर मेन फैक्ट क्या है हमारा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होना चाहिए, सिंथेसाइज होना चाहिए, तब ये साइकिल आगे चलेगी। इसकी वजह से हमें मेन हमारे लिए कौन है, प्रोड्यूसर्स है। प्लांट कौन है, प्रोड्यूसर्स, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स प्लांट है। ओके, ये प्लांट को कौन खाएगा, ये कंज्यूमर्स। और खाने के बाद प्लांट्स भी क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर्स भी क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम देखना है कि प्रोडक्टिविटी के प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्टिविटी को। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपने पता कर लिया कि प्रोड्यूसर्स कौन है, और सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है। फिर बाद में प्लांट्स को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स फिर से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसे प्रोड्यूस कौन करेगा, प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स। ओके, प्लांट्स सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है, ब्रैकेट में लिख लिए तो आप लिख लीजिए प्लांट्स। ओके, प्लांट सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर शॉर्ट में लिख रहा प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्लांट्स जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे वो सारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा। तो प्लांट कैसे ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे, देखिए प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए वो सन से लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं।
अगर ऑर्गेनिक मैटर तैयार होगा फिर उस प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएंगे। कंज्यूमर जब प्लांट को खाएंगे तो वो प्लांट में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सब कंज्यूमर्स में जाएगा, और कंज्यूमर्स फिर से उनके बाद जो कंज्यूमर्स को खाएंगे वो ऑर्गेनिक मैटर उनमें चला जाएगा, मतलब सब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कैसे गिनेंगे हम, तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसे गिनते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस हमने देखे कि ये प्रोडक्टिविटी के लिए एक एग्जांपल पहले समझेंगे, ये आपको सिंपली समझने के लिए देखें, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बैंक है, उसने 1 लाख का लोन लिया, ओके, और कंपनी है, एक कंपनी है जिसने 1 लाख का लोन लिया, उसने क्या किया, 1 लाख में से 10,000 जो है उसका मशीनरीज खरीदी, मशीनरीज, फिर बाकी 10,000 है उसके उसने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल, फिर बचे कितने, 80,000, ओके ना, 80,000 इसके जो पूरा प्रोडक्ट जिसने तैयार, जिसने जो तैयार किया वो 80,000 का, मतलब उसे क्या क्या चीजें लगी, सबसे पहले उसके पास कितने, 1 लाख रुपए, 1 लाख में से उसने 10,000 मशीनरी खरीदने के लिए लगाए, उसके बाद 10,000 रॉ मटेरियल के लगा, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, और बाकी 80,000 प्रोडक्ट। ये समझने के लिए ये एग्जांपल क्यों दिया, देखिए तो ये हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये हमारी 1 लाख रुपए, ये हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और 1 लाख में से जो 80,000 है ये हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लास्ट में 80,000 का प्रोडक्ट बना, ओके, तो ये हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पर ये बनाने के लिए उसे क्या क्या लगा, मशीनरीज और रॉ मटेरियल लगा, इसलिए इसे हम लॉस कहेंगे। ये लॉस प्लांट के लिए अलग होता है और एनिमल के लिए अलग होता है, ये तो एक एग्जांपल लिया हमने कंपनी का, यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया दोनों। जो लॉस है यहाँ पर प्लांट्स के लिए लॉस क्या होगा, रेस्पिरेशन लॉस, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स के लिए एक ही जगह के लिए, मतलब एक ही चीज के लिए प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी रेस्पिरेशन लॉस होगी। अगर फोटोसिंथेसिस से पूरी जो प्रक्रिया करनी है उस प्रक्रिया के लिए उसे सिर्फ रेस्पिरेशन लॉस होगा, बाकी कोई एनर्जी इसे नहीं लगेगी प्लांट के लिए, ओके। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेस्पिरेशन लॉस प्लस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेशन लॉस, ओके। तो समझ में आया ये एग्जाम्पल से, ये सिंपली इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देख ली क्या डेफिनेशन है, किसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन आपको पता है कि डेफिनेशन क्या होगी, प्रोड्यूसर्स की यहाँ पे क्या थी, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर क्या होगी, प्रोड्यूसर्स नहीं यहाँ पर कंज्यूमर्स होगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन तैयार करेगा, सेकेंडरी ऑर्गेनिक मैटर कौन तैयार करेगा, कंज्यूमर्स तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स इसमें जो कि प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहेंगे, मतलब सेकेंडरी जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार करेंगे वो कंज्यूमर्स होंगे, ओके। तो चलिए इसमें ग्रॉस प्राइमरी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे देखते हैं, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आगे फिर से ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखिए, ये कंज्यूमर्स के लिए, पर कंज्यूमर्स मतलब ये प्लांट्स है और कंज्यूमर्स एनिमल्स है, एनिमल्स को सिर्फ रेस्पिरेशन लॉस नहीं होगा, यहाँ पर जैसे रेस्पिरेशन लॉस होगा वैसे एनिमल्स को सिर्फ रेस्पिरेशन लॉस नहीं होगा, एनिमल्स को काम करना पड़ेगा, उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए मस्कुलर मूवमेंट मूवमेंट प्लस रेस्पिरेशन लॉस प्लस लोकोमोशन, ओके, ये सारी चीजें इसमें आएगी,
और प्लस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर्स के बारे में हम कैसे लिखेंगे, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मस्कुलर मूवमेंट प्लस रेस्पिरेशन लॉस प्लस लोकोमोशन, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के लिए उसे एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो एनिमल है काटने, क्योंकि उसे मूवमेंट भी करनी है, मस्कुलर मूवमेंट भी करनी है, लोकोमोशन भी होगा उसका और रेस्पिरेशनल लॉस भी होगा। प्लांट के लिए सिर्फ रेस्पिरेशनल लॉस, क्योंकि कारण ये रेस्पिरेशनल लॉस। तो समझ में आ गया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम कैसे गिनेंगे और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम कैसे गिनेंगे, ये एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपको इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है कि डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन, ओके, हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के बाद डिकम्पोजिशन। ये एक लिंक याद रखिए कि हमें क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है।